तो दोस्तों, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि लोग कैसे इंस्टाग्राम से पैसे कमा रहे हैं, चाहे फिर वो वीडियोस अपलोड कर या पोस्ट डालकर या स्टोरीज डालकर या रील्स अपलोड करके, तो इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस आपको बताऊंगा कैसे आपको अपना इंस्टाग्राम में एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड बनाना है और फिर कैसे आप भी रील्स या पोस्ट डालकर, स्टोरीज डालकर, वीडियो डालकर पैसे कमा सकते हैं। और जैसे कि कई सारे अर्निंग सोर्सेज होते हैं इंस्टाग्राम में भी, आप कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेकर या कोलैबोरेट होकर पैसे कमा सकते हैं आसानी से प्रोडक्ट्स के स्पॉन्सरशिप लेकर। और इसके अलावा इंस्टाग्राम भी बोनस देता है, इंस्टाग्राम बोनस हर महीने देता है सभी क्रिएटर्स को जिनके वीडियोस या रील्स में अच्छे खासे व्यूज जाते रहते हैं। और रही बात है इंस्टाग्राम बोनस की, वो डॉलर में मिलते हैं और इसको आप डायरेक्टली अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे। जैसे आपने जनवरी महीने में वीडियोज या रील्स अपलोड करी और उसमें अच्छा खासा व्यूज आया, तो इंस्टाग्राम बोनस देता जाएगा और वो बोनस आपको 1 फरवरी में टोटल जाकर मिल जाएगा और अपने अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कैसे आपको इंस्टाग्राम एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड बनाना है। पूरी सेटिंग, कंप्लीट सेटिंग के बाद आप भी अच्छी वीडियोस रील्स अपलोड करके अर्निंग कर सकते हैं इजीली इंस्टाग्राम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम में लॉग इन हो जाना है, जो भी आईडी आप चलाते हैं इंस्टाग्राम में उसी से लॉग इन हो जाए, या फिर एक नया अकाउंट भी बना सकते हैं। तो आप सिंपली आप जो भी आईडी चला रहे हैं उसी से आप अभी फिलहाल लॉग इन हो जाए। लॉग इन होने के बाद आपको राइट कॉर्नर पे लोगो दिखेगा अपने चैनल का, अपने इंस्टाग्राम आईडी का, उसे क्लिक कर देना। वहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आपको प्रोफाइल दिख रहा होगा, फिर एडिट प्रोफाइल में आपको सेलेक्ट कर देना। जैसे आप एडिट प्रोफाइल में सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपना लोगो चेंज कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं और बायो पे डाल सकते हैं कि आप किस टाइप की नीचे इसकी यहाँ पे वीडियोस या रील्स अपलोड करेंगे यहाँ पे। तो वो सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दे देनी है बायो में, राइट। तो जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ टेक गैजेट्स रिव्यू, इस टाइप की मैं वीडियोज़ या रील्स यहाँ पे पोस्ट करूँगा, तो अभी कर दे रहे हैं। और यहाँ पे लिंक भी दे सकते हैं यदि आपके पास कोई वेबसाइट्स है। चलिए अभी इसको भी लिंक को, एक्सटर्नल लिंक को भी अभी हटा देते हैं, अभी नहीं डालते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हो तो डाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। अभी जेंडर प्रेफर्ड कर दे रहे हैं, जो कि मेरा न्यू अकाउंट था इंस्टाग्राम का, तो अभी कुछ सेटिंग नहीं है तो इसलिए शुरू से हो रहा है यहाँ पे। और इसके बाद स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको गेट प्रोफेशनल टूल दिख रहा है, आपको कंटिन्यू नेक्स्ट कर देते जाना है। फिर कंटिन्यू करते जाना है यहाँ पे, देखिएगा। फिर जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब यू, यानी आप किस टाइप का है, यहाँ पे नीच सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी, वो सब यहाँ पे पूछ रहा है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक वीडियो क्रिएटर अभी सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। यदि आप ब्लॉगर टाइप की कुछ डालेंगे नीचे रील्स, तो सेलेक्ट कर सकते हैं। या आप गेमर्स हैं, गेम्स रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट डालेंगे रील्स, तो वो उसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी वीडियो क्रिएटर कर दे रहा हूँ, वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँगा वीडियो एडिट कर। तो अभी मैं वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, देखिए कई सारी कैटेगरी सजेस्टेड कर रहा है। तो आप अपने कैटेगरी नीड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं आसानी से। चलिए सेलेक्ट कर दिया, थोड़ा टाइम ले रहा है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा यहाँ पूरा। चलिए सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आपको क्रिएटर सेलेक्ट करना है, एज ए क्रिएटर, क्रिएटर सेलेक्ट कर दिया। अब इसके बाद आपको 4 स्टेप्स यहाँ पे दी गई है, 3 स्टेप्स तो आपको कंप्लीट कर देना सेटअप योर प्रोफेशनल अकाउंट के लिए। तो सेलेक्ट करते जाना, फर्स्ट वाले को सेलेक्ट किया यहाँ पे, तो अब देखिए ब्राउज कर रहा है, यहाँ पे फॉलो कर लेना है। ये कुछ ऑडियंस आ रहे हैं, इनको आप फॉलो कर लीजिए, चाहे फॉलो भी कर लीजिए या नहीं भी फॉलो कर सकते हैं आप। यस को मैंने फॉलो कर दिया, चलिए जो आ गए सामने, और मैंने यस कर दिया। तो ये देखिए पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। सेकंड स्टेप चलते हैं एक्सप्लोर टूल्स में, इसको भी देख लेते हैं। आप यहाँ पे यस कर दीजिए, इसमें क्या है, अंदर इनसाइट में यहाँ पे अपना जो रील्स अपलोड करेंगे उसका पूरा एनालिटिक्स देख पाएंगे, कितना व्यूज आ रहा है। देखिए अब मैं अंदर जाके आपको दिखा रहा हूँ, कितना रीच आपको मिल रहा है, कितने टोटल फॉलोवर्स है। यहाँ से इनसाइट से आप अच्छे तरीके से देख पाएंगे पूरी हर चीज़ें अपने रील्स या वीडियोस के रिगार्डिंग इनसाइट में, और यस कर दे रहे हैं। तो ये भी स्टेप्स कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए अब टेल अस योर गोल्स में सेलेक्ट करना है। तो देखिए आपको दो चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ रीच, और इसके नीचे और भी देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, मीडिया एंगेजमेंट। ये दो चीज़ें ही मैं चाहता हूँ कि मेरी रील्स या वीडियोज में मिले, तो इन्हीं दो स्टेप्स को मैं सेलेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अभी आप भी इन्हीं को सेलेक्ट कर सकते हैं आसानी से। और फिर इसके बाद आप क्या चाहते हैं, हाउ वुड यू लाइक टू कनेक्ट विथ पीपल, कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे ईमेल्स सेलेक्ट कर दे रहे हैं, ईमेल से पीपल हमारे साथ कनेक्ट हो जा सकते हैं। तो चलिए ये भी हो गया कम्प्लीट, अब हम डन कर देते हैं। 4 स्टेप्स कम्प्लीट हो गए हैं। डन करने के बाद ये देखिए कुछ ऐसा आ गया है। अभी थोड़ा इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड लिख कर आएगा यहाँ पे। अभी चलिए रिफ्रेश कर दिया मैंने,
देखिए ये लोगों क्लिक किया, ये देखिए प्रोफेशनल डैशबोर्ड अब लिख कर आ रहा है, पहले लिख के नहीं आ रहा था। सो फाइनली अब हमारे इंस्टाग्राम आईडी की कंप्लीट सेटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम एक रील्स अपलोड करके दिखाते हैं किस तरह आपको अपनी रील्स अपलोड करनी है। तो चलिए यहाँ पे प्लस आइकॉन में प्रेस कर दे रहे हैं और इसके बाद देख लेते हैं कोई सी एक रील्स अपलोड कौन सी करना है। कोई सी भी रेंडमली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो इसी तरह आपको भी अपनी पूरी सेटिंग स्टेप बाय स्टेप करनी है, तभी आप एक प्रॉपर इंस्टाग्राम प्रोफेशनल आईडी बना पाएंगे। तो चलिए ये देख लेते हैं, हम थोड़ा सा क्रॉप कर ले रहे हैं इस वीडियो को, इसको सेलेक्ट कर लिया था। चलिए यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। कोई भी आप ट्रेंडिंग सॉन्ग ज़रूर आप यूज़ करें जब कोई रील्स अपलोड कर रहे हो, और उसके वॉइस को भी एडजस्ट कर सकते हैं। चल हम देख लेते हैं कोई सा, चलिए ये वाला सॉन्ग भी ऐड हो गया, एडजस्ट कर लिया हमने। अब नेक्स्ट कर दे रहा, थोड़ा प्रोसेस हो रहा है। ये ऑलरेडी मैंने सब स्क्रीन रिकॉर्डेड ऑलरेडी कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि इंटरनेट का थोड़ा इशू रहता है। चलिए हम नेक्स्ट कर दिया मैंने। अब चलिए हम एक एडिट कवर ऐड कर दे रहे हैं यहाँ पे। हमारे एडिट कवर से यहाँ एक कवर लग जाएगा, यहाँ जो रील्स चलते वक्त यही सामने दिखेगा। और इसके बाद हम राइट कैप्शन में इन्फॉर्मेशन देंगे किस टाइप की हमारी रील्स है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना है, हल्का सा लिख देना है। फिर उसके बाद हैशटैग का जरूर यूज़ करें, हैशटैग जैसे कलर टच कर देंगे, हैशटैग रील्स कर देंगे और इस टाइप के हैशटैग डाल देंगे, और इसके बाद आप पोस्ट डाल सकते हैं। एट द रेट का भी यूज कर सकते हैं आप, जैसे कि खान सर को कोई एक पेज बना हुआ है तो उनकी जितनी भी ऑडियंस होगी, जैसे एट द रेट मैं खान सर यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, तो उनकी जितनी भी ऑडियंस होगी उनके पास ये मेरी रील्स उनके पास रीच होगी, यानी उनके पास जाएगी और वो भी देख पाएंगे इसको। तो रीच ज़्यादा लेने के लिए आप एट द रेट मेंशन का भी यूज कर सकते हैं, रिकमेंडेड ऑन फेसबुक। और चलिए यहाँ पे आप नेक्स्ट कर दीजिए, यहाँ पे पब्लिक है सभी सेटिंग्स। रिकमेंडेड ऑन फेसबुक में क्या था कि आप यहाँ पे अपना फेसबुक आईडी भी यहाँ पे लॉगिन करके एड लिंक कर सकते हैं, और इसके बाद जैसे ही आप यहाँ रील्स अपलोड करेंगे तो आपके फेसबुक में भी वो रील्स अपलोड होगी। तो इस तरह दोनों जगह एक साथ अपलोड हो जाती हैं रील्स। और ये बाद मैंने यहाँ पे अभी नेक्स्ट करके या सबमिट कर दिया है, तो शेयरिंग योर रील्स आ रहा है फाइनली, ये देखिए फिनिश होके अपलोड हो चुका है। तो इस तरह आप भी रील्स अपलोड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। और फिर इस तरह आप कंटिन्यूटी जरूर मेंटेन करे रहिए, कंटिन्यू आइए आप वीडियोस रील्स पोस्ट करते रहेंगे तो आपके जो इंस्टाग्राम आईडी की काफ़ी अच्छी इंगेजमेंट बन जाएगी, फिर आपकी भी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अलावा आप कॉपी कंटेंट कहीं से मत डालें, यदि मैं कहूँ आप टिकटॉक से वीडियोस डाउनलोड कर लें या यूट्यूब से वाईटी शॉर्ट से वहाँ से डाउनलोड करके आप इस पर अपलोड कर दें, और वहाँ पे वाटर मार्क यदि रहता है टिकटॉक का या वाईटी का, किसी टाइप का भी लोगो मिलता है आपके वीडियो, तो आपको बोनस किसी भी तरह का नहीं मिलेगा इंस्टाग्राम से, ये साफ साफ लिखा है। और भी बता देते हैं कि आपको किस किस कंडीशन में बोनस नहीं मिलेगा, लाइक यदि आप कोई फ़ोटो लेते हैं उसको एडिट करके बस बैकग्राउंड में सॉन्ग चला देते हैं तो आपको किसी भी तरह का बोनस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये आपको ओरिजिनल कंटेंट इंस्टाग्राम वाले नहीं मानेंगे। और इसके साथ ही यदि आप कई सारी फ़ोटो लेकर रील्स लेकर बना देते हैं, कई सारी फ़ोटो को लेकर आप वहाँ पर अपना कुछ भी नहीं देते, ना ओवरवाइज करते और ना ही आप वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो इसकी वजह से भी इंस्टाग्राम आपको बोनस नहीं मिलेगा। आप किसी की वीडियोज़ ले लेते हैं और किसी वीडियोज़ को आप बार बार लूप करते हैं, उस वीडियो को बार बार उसी को डालते रहते हैं, तो आपको भी किसी भी तरह का बोनस नहीं मिलेगा। सीधी बात कहें तो आपको ओरिजिनल कंटेंट आपको अपना डालना चाहिए, जिससे आपको जेन्युइन ऑडियंस भी मिलेगी और आपकी अर्निंग भी 100% होगी। तो 100% आप अपना ओरिजिनल कंटेंट रखें, आपकी अर्निंग जरूर होगी। सो फाइनली आपको कैसे लगी वीडियो, यदि वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।